आज मैं तुम्हें कल की तरह फिर हीरा और मोती यानी कि दो बैलों की कथा कहानी के बारे में प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम कर रहा हूँ। और कल तक तुम लोगों ने दो चार क्वेश्चन, आज दो तीन क्वेश्चन है, आज तुम्हारा सिलेबस जो है क्वेश्चन आंसर वाला वो खत्म हो जाएगा आशय के साथ में। दो ठो क्वेश्चन है और उसके बाद फिर आशय है। पहला क्वेश्चन, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? जीवन वाले किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के अपनी संबंधों को कहानी में किस तरह से व्यक्त किया है? कहने का मतलब कि किसान और पशु दोनों किस प्रकार एक दूसरे के सहयोग करते हैं, उसी को इस क्वेश्चन में दिखाया गया है। पशु आदि काल से ही मनुष्यों के साथी रहे हैं, सही में कहा गया है, आदि काल से ही, पुराने काल से ही साथी रहा है पशु किसके, मनुष्य के। मनुष्य ने कभी उन्हें अपनी सुरक्षा सुरक्षा के लिए पाला तो कभी आर्थिक लाभ के लिए, कभी उन्हें सुरक्षा के लिए पशु को पाला और कभी आर्थिक लाभ के लिए पाला है। किसान जीवन में किसान हल चलाने, बोझा ढोने, गाड़ी खींचने तथा सवारी करने के लिए पशुओं का प्रयोग करते हैं। पशु भी अपने चारे के लिए मानव जाति पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार दोनों के बीच में एक अन्यश्रय संबंध है। किसान भी पशु के बिना नहीं रह सकते हैं और पशु भी किसान के बिना नहीं रहते हैं। पशु को खेत में किसान जोतते हैं, हल चलाते हैं, बोझा ढोते हैं और उसकी सुरक्षा के लिए, उसके चारा भोजन के लिए वो इंतजाम करते हैं पशु मालिक उसका यानी किसान। इसलिए ये क्वेश्चन सही में है कि किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के बीच में किस प्रकार से समझौता दिखाया गया है, किस तरह से ये दिखाया गया है, संबंध व्यक्त किया गया है, इसके बारे में ये दिखाया सही में। दूसरा, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषता बताइए। जब हीरा मोती को कांजी हाउस में बंद कर दिया गया, तो क्योंकि कांजी हाउस का दीवार मिट्टी का था और दोनों ताकतवर थे और कई तरह के जानवर उस कांजी हाउस में रखे हुए थे, दोनों ने मूक भाषा में बातचीत किया और बोले कि ठीक है, मिट्टी का दीवार है, थोड़ा थोड़ा इस पर अगर चलाया जाए ताकत अपना तो वो टूट जाएगा। और लास्ट में वही हुआ, धीरे धीरे सींग चलाते 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 मिट्टी भंवरते गया, क्योंकि मिट्टी का दीवार था कांजी हाउस का, भंवरते गया और एक समय ऐसे आया कि वो दीवार टूट गया। उसी से बहुत जानवरों को ये मोती ने भगाया और इसीलिए ये प्रश्न किया गया है कि इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। सही में जिस प्राणियों का जान बचा दिया आपने, जिस प्राणियों पर क्षमा किया, जिस आदमी पर आपने दया किया, वो तो आप धर्म आशीर्वाद के पात्र हैं ही। उसी प्रकार इस कहानी में मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषता देखिए, मोती की क्या क्या विशेषता थी इसको अब इस प्रश्न उत्तर के समझिए। मोती के उक्त कथन के आलोक में उसकी निम्नलिखित विशेषताएं प्रकट होती है। पहला, मोती स्वभाव से उग्र जरूर है, गुस्साहट थे, उग्र मतलब गुस्सा वाले थे मोती, लेकिन दयालु भी है। दयालु क्या है, तो दयालु वो जो कांजी हाउस में बहुत तरह से भूखे पड़े हुए, मरणासन्न पड़े हुए थे, बकरी घोड़े घोड़ी वगैरह वगैरह, उसके बारे में उन्होंने विचार किया। और गधा जो कि भागता नहीं था कांजी हाउस से, तब उसको मोती ने हुर्रा देकर भगाया कि तुम भाग जाओ, लेकिन गधा क्या सोच रहा था कि हम भागेंगे तो फिर पकड़े जाएंगे, इसलिए हम भागवे नहीं करेंगे, इसलिए उसको मंदबुद्धि कहा गया है गधा को। हाँ, तो मोती उग्र था, गुस्सा स्वभाव के थे, लेकिन दयालु भी है, दयालु भी था। मोती का स्वभाव परोपकारी है,
वह कौंजी हाउस में बंद जानवरों की जान बचाता है, परोपकारी भी है। उसका स्वभाव दूसरों की दया के लिए है। इस बात से प्रकट होता है कि कौंजी हाउस का दीवार तोड़कर कई जानवरों को, जो कि अधमरा सा था, सिर्फ समझ चल रहा था, उसको उन्होंने आजाद करवाया। इसलिए वो सच्चा मोती का स्वभाव परोपकारी है। वह कौंजी हाउस में बंद जानवरों की जान बचाता है। नंबर तीन, मोती सच्चा मित्र है। वह मुसीबत के समय हीरा का साथ नहीं छोड़ता है। मोती जब हीरा को मटर के खेत में मोती एक सच्चा मित्र भी है। वो मुसीबत के समय हीरा का साथ नहीं छोड़ता है। ये यहाँ से प्रकट होता है कि जब मटर खेत में हीरा पकड़ा गया और मोती आजाद हो गया था, तब मोती ने सोचा, नहीं नहीं अगर इस समय में हम साथ इसका छोड़ते हैं तो ये अच्छा नहीं है, तब सच्ची दोस्ती नहीं है। कहा भी गया है, इसमें पंक्ति में कहा भी गया है, दोस्त के धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपतकाल परेखाऊचारी। ये जो है आपत्ति होने पर, सच्चे मित्र आपत्ति होने पर परखा जाता है। अगर वो भाग जाता हीरा को छोड़कर तो सब कहता कि नहीं ये सच्चा मित्र नहीं है। इसलिए वो मुसीबत के समय हीरा का साथ नहीं छोड़ता है। चौथा, मोती अत्याचार का विरोधी है। वह कांजी हाउस की दीवार तोड़कर अत्याचार का विरोध करता है। उनके मन में था कि ये अत्याचार किया है सभी जानवरों को, जो जानवर सिर्फ अधमरा सा था, ये उन्होंने सोचा कि अत्याचार किया है, इसलिए मोती अत्याचार का विरोधी था और वह कांजी हाउस में सभी जानवरों को भगाकर उसे आजाद कर दिया। पांचवा, मोती साहसी है। वह हीरा की मदद से सांड को पराजित करता है। जब मटर के खेत में खाकर ढकार लेकर दोनों हीरा मोती चल रहे थे तो सामने में एक सांड डांकता हुआ आ रहा था। दोनों तो पहले डर गया, लेकिन बाद में उन्होंने यह फैसला कर लिया कि इससे अगर डरोगे तो मारे जाओगे, इसलिए बुद्धि से काम करो। और दोनों ने मन में ये बातचीत कर लिया कि इसको एक अगर पलटवार करे तो दूसरा उस पर पलटवार करो। चौथा, तीसरा देखिए, आसन, आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट करना है। अवश्य ही उनमें कोई ऐसा गुण शक्ति थी, गुप्त शक्ति, जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। सही में लिखा है, हीरा और मोती गहरे मित्र थे। वे एक दूसरे के बिना कुछ कहे एक दूसरे के भावों को सोच समझ जाते थे। उसके पास अवश्य ही कोई ऐसी शक्ति थी जिससे ऐसा होता था। कहीं सही में कहा गया कि हीरा और मोती जब भी गलत काम करते थे, जब भी सही काम करते थे, वो आपस में अपने नजरों से नजरें मिलाकर मूक भाषा में बात करते थे और उसके बाद वो व्यवस्था करते थे। इस प्रकार वो व्यवस्था प्रेमचंद ने दर्शाया है कि वो मनुष्य प्राणियों में नहीं है श्रेष्ठ, जो मनुष्य प्राणियों में श्रेष्ठ मानता है, पर उसके पास यह शक्ति नहीं है कि वह एक दूसरे के मनोभावों को समझ सके। जिस प्रकार से कि जानवर यानी हीरा मोती एक दूसरे को मुख भाषा में बोलकर उसके भाषा को समझते थे, प्रेमचंद ने कहा कि उसमें एक दैविक शक्ति है। वो शक्ति मनुष्य में नहीं है क्योंकि मनुष्य प्राणियों में से श्रेष्ठ